जी हाँ नमस्कार दोस्तों, बेहद ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। दरअसल बड़ी खबर के दौरान पंजाब के बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में बुधवार सुबह ही फायरिंग वाली घटना को अंजाम मिला है, जिसके दौरान सेना के 4 जवानों को ही मृत घोषित कर दिया गया है। आर्मी ने कहा है कि फायरिंग वाली घटना सुबह करीब 4:30 बजे हुई है और 4 जवानों के अलावा कोई भी नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ है। पुलिस और सेना की टीमें लगातार मिलकर जांच कर रही हैं, अभी तक इस मामले का खुलासा नहीं हो पाया है। सेना ने कहा है कि हम सभी पहलुओं से जांच कर रहे हैं, हमने 2 दिन पहले ही यूनिट के गार्ड रूम से इंसाफ राइफल और गोया गायब होने का एंगल भी शामिल है। मिलिट्री स्टेशन को सील कर दिया गया है और लोगों को आने जाने तक की रोक लगा दी गई है। वही इसी दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पूरे मामले की जाँच की जा रही है, आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे इस मामले की ब्रीफिंग देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस घटना के बारे में सेना से रिपोर्ट मांग ली है। पंजाब सरकार ने भी बठिंडा पुलिस को रिपोर्ट तलब की है। आर्मी कैंट के भीतर सैनिकों के परिवार भी रहते हैं। घटना के बाद से सेना ने सभी को घरों में रहने के लिए कहा है। कैंट के भीतर स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। कुछ रिपोर्टरों का कहना है कि यह घटना मिलिट्री स्टेशन के ऑफिसर्स मैस में हुई है और बठिंडा के SSP गुलनीत खुराना ने इस मामले को आतंकवादी घटना होने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि यह जवानों की आपसी रंजिश के दौरान ही हुआ है। तो दोस्तों, यह खबर लगातार आपके लिए अपडेट की जाएगी। अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।